डियर वेलडी स्टूडेंट, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन सेल कल्चर या फिर टिश्यू कल्चर एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ वायरस। यानी आज के लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कि वायरस को अपन सेल के अंदर किस तरीके से इनोकुलेट करवा सकते हैं, यानी किस तरीके से ग्रोथ करवा सकते हैं उसकी। और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? डायग्नोसिस ऑफ वायरस, यानी एक वायरस को किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, किस तरीके से उसका पता लगाया जा सकता है। तो पीछे के लेक्चर में क्या पढ़ा था अपन ने? सबसे पहले तो माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था। उसके बाद में सेकंड लेक्चर में क्या था अपना? सेकंड लेक्चर में था कि जो सेल कल्चर के दो मेथड थे, एक तो एनिमल इनोकुलेशन और एक और, वो दोनों क्या है अपन ने डिस्कस किए थे, और उस और एक क्या था? एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन, ठीक है। और तीसरे आज के लेक्चर में क्या है? सेल कल्चर यानी थर्ड मेथड कल्टिवेशन का। तो देखिए सेल कल्चर है क्या? दिस इज थ्री टाइप ऑफ कल्चर रूटीनली एम्प्लॉयड फॉर डायग्नोस्टिक वायरोलॉजी, यानी वायरोलॉजी यानी वायरस के डायग्नोसिस के लिए तीन प्रकार के कल्चर क्या है मोस्टली एम्प्लॉयड किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। उनके नाम क्या क्या है तीनों के? एक तो प्राइमरी सेल कल्चर है, दूसरा डिप्लॉयड सेल कल्चर है, और तीसरा क्या है? कंटिन्यूस सेल लाइन। तो सेल कल्चर के अंदर अपन देखें तो देखें क्या है कि तीन प्रकार के सेल कल्चर लगाए जाते हैं वायरोलॉजी के अंदर। एक तो प्राइमरी सेल कल्चर, दूसरा डिप्लॉयड सेल कल्चर, और तीसरा क्या है? कंटिन्यूस सेल कल्चर। तो आज के लेक्चर में अपन क्या है इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे कि क्या है, यानी प्राइमरी सेल कल्चर क्या है, डिप्लॉयड सेल कल्चर क्या है, और क्या है कि कंटिन्यूस सेल लाइन क्या है। इन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए प्राइमरी सेल कल्चर। प्राइमरी सेल कल्चर क्या है, यानी सबसे पहले जो सेल कल्चर करते हैं अपन वो क्या है? तो दीज आर नॉर्मल सेल फ्रेशली टेकन फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग एंड कल्चर, यानी दीज आर नॉर्मली सेल्स। ये क्या है? नॉर्मल सेल्स होती हैं, फ्रेशली टेकन फ्रॉम द, यानी जो क्या है जस्ट यानी टेक की जाती है, ली जाती है किसी जिस टाइम पे कल्चर करना उससे जस्ट पहले। ये क्या है? फ्रेश होती है बिल्कुल तरोताजा, freshly taken from the organ of animal and human। यानी ये क्या है? humans के या किसी जीव जंतु के organ से ली जाती है, किस चीज के लिए? कल्चर के लिए। Next, they are able to grow only for limited time and cannot be maintained in serial culture। और ये जो है यानी प्राइम जो सेल्स अपन ने ली हैं, जिनका अपन ने सैंपल लिया है कल्चर के लिए, they are able to grow only for limited time। ये क्या है? लिमिटेड टाइम के लिए ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि सेल के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं या फिर अदर सेलुलर जो मटेरियल होता है जो वायरस को क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग मीडियम प्रोवाइड करवाता है, वो क्या है थोड़ी देर बाद में खत्म हो जाता है। इसीलिए क्या है ये लिमिटेड टाइम के लिए ग्रोथ करवा पाती है वायरस को। एंड कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन सीरियल कल्चर, और इनको क्या है सीरियल कल्चर के अंदर अपन मेंटेन नहीं कर सकते। दे आर यूज्ड फॉर द प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ वायरस एंड प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। और ये जो सेल्स हैं दे आर यूज्ड फॉर द प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ वायरस, इनको क्या है सबसे पहले वायरस को आइसोलेट करने के अंदर अपन काम में लेते हैं, एंड प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, और वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए यानी किसी वायरस से रिलेटेड वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए इनको काम में लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो मंकी की किरनी किसके लिए काम में लेते हैं अपन? सेल कल्चर के लिए। और ह्यूमन के ह्यूमन एमोनियम सेल कल्चर, और ह्यूमन की जो एमिनन है यानी जो लेयर होती है उसको भी सेल कल्चर के लिए काम में लेते हैं। ह्यूमन की किडनी या फिर अदर लीवर जो ऑर्गन है उनके सेल्स को भी अपन क्या है प्राइमरी सेल कल्चर के लिए काम में लेते हैं। तो
एक बार शुरू से देखिए, दीज आर नॉर्मल सेल फ्रेशली टेकन फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बींग एंड कल्चर। यानी ये क्या है, नॉर्मल सेल है जो फ्रेशली क्या है टेकन, यानी ली जाती है किससे, ऑर्गन से या किस ऑर्गन से, यानी क्यों, और ऑर्गन किसके ऑर्गन से, एनिमल या फिर ह्यूमन के ऑर्गन से, और जो किसके लिए ली जाती है, कल्चर के लिए। नेक्स्ट, दे आर एबल टू ग्रो ओनली फॉर लिमिटेड टाइम एंड कैन नॉट बी मेंटेन इन सीरियल कल्चर। और ये क्या है, वायरस की ग्रोथ के लिए लिमिटेड टाइम के लिए अप्रूव होती है, लिमिटेड टाइम के अंदर क्या है वायरस को ग्रोथ करवा पाती है, एंड कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन सीरियल कल्चर। पर इनको सीरियल कल्चर में मेंटेन नहीं कर सकते, जैसे पहले कल्चर लगाया फिर वापस दूसरे वायरस के लिए, तीसरे वायरस के लिए, इस तरीके से इनको काम में नहीं ले सकते। नेक्स्ट, दे आर यूज्ड फॉर द प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ वायरस एंड प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। ये किसके काम में आती है प्राइमरी सेल, ये क्या है, सबसे पहले प्राइमरी आइसोलेशन में काम में आती है वायरस के, और वैक्सीन प्रोडक्शन में काम में आती है कि वायरस से वैक्सीन को तैयार किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मंकी की किडनी सेल कल्चर के अंदर काम में आती है, ह्यूमन की किडनी और लीवर या फिर लंग्स की जो सेल है वो भी क्या है सेल कल्चर के अंदर काम में आती है, उनके अंदर भी अपन वायरस को ग्रोथ करवा के उसको आइसोलेट कर सकते हैं। देखिए डिप्लॉइड सेल कल्चर, डिप्लॉइड सेल कल्चर क्या है, सेमी कंटिन्यूस सेल लाइन, यानी जो कंटिन्यूस हो, तो दे आर डिप्लॉइड एंड कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। ये क्या है, डिप्लॉइड सेल होती है, इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं न्यूक्लिक एसिड जो क्या है पेरेंट सेल्स के अकॉर्डिंग होती है, उन्हीं की जैसे सेम होते हैं, डबल होते हैं। दे कैन बी सब कल्चर्ड अप टू 50 टाइम्स बाय सीरियल ट्रांसफर फॉलोइंग सेंसेंशन एंड द एग्जाम्पल क्या है इसके, तो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक
लंग स्ट्रेन, यानी ह्यूमंस की जो एम्ब्रियोनिक लंग की जो स्ट्रेन है, यानी ह्यूमन एम्ब्रियोनो की जो लंग्स की जो स्ट्रेन है उसको भी काम में ले सकते हैं, रिसर्च एम्ब्रियो की जो स्ट्रेन है उनको भी काम में ले सकते हैं अपन। या फिर BSK21 यानी बेबी हैमस्टर की जो किडनी सेल्स है
उनके अंदर अगर कैंसर कैंसर हो गया तो उनकी सेल लाइंस को भी अपन क्या है एटेरोपोइड कल्चर के अंदर काम में ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज अ मेथड
that can take a picture of whole virus and can be revealed its shape and structure. यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वह मेथड है जिसके अंदर अपन एक वायरस की पिक्चर को ले सकते हैं और उसके शेप एंड स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. नेक्स्ट, द डिटेक्शन ऑफ वायरस भी कैन बी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंग स्पेशली फॉर वायरस दैट आर डिफिकल्ट टू कल्चर. और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज है वो कब इंक्रीज हुआ, यानी मोस्टली कब यूज, कब काम में लेते हैं उनको, जब क्या एक वायरस को कल्चर करना यानी उसका कल्टिवेशन क्या हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए. नेक्स्ट, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इंक्लूड डिटेक्शन ऑफ रोटावायरस एंड हेपेटाइटिस ए वायरस इन द सिकल स्पेसिमेन. और अपन क्या है क्लिनिकल एप्लीकेशन यानी कहां पे अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को, सबसे पहले रोटावायरस के अंदर और हेपेटाइटिस ए वायरस के अंदर या फिर फिकल स्पेसिमेन के अंदर इसको, यानी फिकल स्पेसिमेन के अंदर क्या है हेपेटाइटिस ए वायरस को डिटेक्ट करने के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंक्लूजन बॉडीज इन टिश्यू सेक्शन मे बी डिटेक्शन बाय लाइट माइक्रोस्कोपी. लाइट माइक्रोस्कोपी के द्वारा अपन क्या है इंक्लूजन बॉडीज को देख सकते हैं टिश्यू सेक्शन के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन ट्रैक्ट के अंदर जो बॉडीज प्रेजेंट होती है उनको देख सकते हैं. दी मेंस्ट्रुएशन ऑफ इंक्लूज बॉडीज हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ ए वायरल इंफेक्शन. और इन इंक्लूजन बॉडीज का देखना यानी डीटीआई के अंदर या फिर किसी टिश्यू सेक्शन के अंदर इंक्लूजन बॉडीज का देखना क्या है वायरस को डायग्नोज कर सकता है, यानी ऐसा वायरस जो क्या इंक्लूजन बॉडीज में इंफेक्शन कर सकता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, नेगेटिव बॉडीज या इंक्लूजन बॉडीज डेमोन्स्ट्रेशन इन द ब्रेन सेल ऑफ एनिमल इज ए यूजफुल मेथड फॉर प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस ऑफ रेबीज. यानी क्या है नेगेटिव बॉडीज जो है ब्रेन के अंदर उनसे अपन क्या है ब्रेन सेल के अंदर क्या है एनिमल के अंदर क्या है किस तरीके से किसको डायग्नोज कर सकते हैं रेबीज को डायग्नोज कर सकते हैं अगर अपने को उसके साइन एंड सिम्टम पता हो. प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस का मतलब क्या है किसी चीज से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम अपने को क्या है पहले से पता हो, यानी पहले से अपने को अनुमान है कि वो उसके अंदर क्या है वो डिजीज हो सकती है. नेक्स्ट देखिए शुरू से इंक्लूजन बॉडीज इन टिश्यू सेक्शन may be detected by light microscopy. यानी inclusion bodies जो section के अंदर tissue section के अंदर है उनको किससे detect कर सकते हैं अपन light microscopy से detect कर सकते हैं. Next, demonstration of inclusion bodies help in diagnosis of some viral infection. और ये जो demonstration है inclusion bodies का वो क्या है कुछ virus को detect करने में help करता है. Next देखिए negative bodies. Negative bodies में क्या है inclusion bodies है यानी negative bodies किसकी ब्रेन सेल की एनिमल ब्रेन सेल की. डेमोन्स्ट्रेशन ब्रेन सेल्स ऑफ एनिमल इज ए यूज मेथड ऑफ प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस ऑफ रेबीज. यानी ये क्या है नेगेटिव बॉडीज हैं वो ब्रेन के अंदर रेबीज के जो वायरस प्रेजेंट होता है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने में हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन लाइट माइक्रोस्कोपी में. देखिए वायरल एंटीजन तो दीज में भी डिटेक्ट बाय एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड. इनको अपन किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीजन को एलाइजा से डिटेक्ट कर सकते हैं एंड लेटेक्स एग्लूटिनेशन मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं. जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का एक मेथड होता है रिएक्शन होती है लेटेक्स एग्लूटिनेशन उससे भी अपन क्या है कि वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं. दीज में भी डिटेक्ट बाय एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड इनको क्या एलाइजा से डिटेक्ट कर सकते हैं और लेटेक्स एग्लूटिनेशन से डिटेक्ट कर सकते हैं.
पीसीआर, तो विद ए यानी पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पीसीआर का पूरा नाम क्या है? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। और तो किस चीज के ऊपर बेस है? तो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बेस होता है कि यानी डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करके किसी वायरस का पता लगाता है। तो देखिए, विद ए पीसीआर टेक्निक ए टारगेट डीएनए सीक्वेंस कैन बी एम्प्लीफाइड टू द पॉइंट वेयर इट कैन बी रीडली बी आइडेंटिफाइड यूजिंग लेबल्ड प्रोब्स इन ए हाइब्रिडाइजेशन एसे। यानी क्या है, पीसीआर टेक्निक के अंदर क्या है, डीएनए सीक्वेंस को टारगेट करते हैं यानी लेते हैं, उसको एम्प्लीफाई करते हैं यानी उसको अलग करते हैं डीएनए से, यानी एक पॉइंट से एम्प्लीफाई करते हैं, अलग करते हैं जहां से अपन उसको रीड कर सकें, और क्या है उसको हाइब्रिडाइजेशन करते हैं दूसरे डीएनए कोडिंग के साथ। अगर वो मैच हो जाता है पता चल जाता है कि वह कौन सा वायरस है। नेक्स्ट, दस वायरल डीएनए एक्सक्रीटेड फ्रॉम वेरी स्मॉल नंबर ऑफ वायरस और इन्फेक्शन सेल कैन बी डिटेक्टेड। और इसीलिए क्या है कि ये जो वायरल डीएनए है वो क्या है, कुछ ही सेल में अगर इन्फेक्शन हुआ है यानी कुछ ही नंबर है वायरस के, बहुत ही कम नंबर, तो भी जो इन्फेक्शन हो गया है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो पीसीआर क्या है, वायरस डिटेक्शन के लिए सबसे स्पेसिफिक टेस्ट है। तो देखिए पीसीआर को एक बार क्या है कि विद ए पीसीआर टेक्निक ए टारगेट डीएनए सीक्वेंस कैन बी एम्प्लीफाइड टू द पॉइंट वेयर इट कैन रेडी बी आइडेंटिफाई यूजिंग लेबल प्रोब। यानी क्या है कि पीसीआर एक टेक्निक है जिसके अंदर एक टारगेट डीएनए सीक्वेंस को एम्प्लीफाई करते हैं यानी उसको उसके डीएनए सीक्वेंस से अलग करते हैं, उसको कटिंग कर देते हैं बीच में से, और उसको क्या है ये आइडेंटिफाइड यानी पता है कि वो कौन से वायरस का डीएनए, उसके साथ मैच करके देखते हैं, उसको प्रोब्स करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करके देखते हैं। अगर वो उसके साथ मैच हो जाता है तो पता चल जाता है कि कौन से वायरस का इन्फेक्शन है। पीसीआर एक वायरस के लिए स्पेसिफिक होता है, जैसे एचआईवी के लिए अलग पीसीआर है, हेपेटाइटिस के लिए अलग है, यानी उनके अंदर अलग अलग वायरस से रिलेटेड डीएनए की कोडिंग होती है। नेक्स्ट, दस वायरल डीएनए एक्सक्रीटेड फ्रॉम वेरी स्मॉल नंबर ऑफ वायरस और इन्फेक्टेड सेल कैन बी डिटेक्ट। यानी ये जो वायरल डीएनए डिटेक्शन है वो क्या है, अगर कुछ ही सेल के अंदर इन्फेक्शन हुआ है या फिर कुछ ही वायरस, बहुत ही कम मात्रा में वायरस प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो भी उसको डिटेक्ट कर सकता है। देखिए, मॉलिक्यूलर टेक्निक आर द मोस्ट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। और ये जो मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल से। तो मॉलिक्यूलर जो टेक्निक है वो क्या है, मोस्टली स्पेसिफिक और सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है। टेस्ट है किसके लिए, सेंसिटिव यानी क्या है, जिससे कंफर्मेटिव टेस्ट है यानी पता लग जाता है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव यानी एक ही अगर वायरस आए तो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। ये क्या है, मोस्टली स्पेसिफिक टेस्ट है पीसीआर। Next, they are capable of detecting either the whole viral genome or parts of the viral genome. यानी PCR के अंदर या तो अपन पूरे वायरस के जीनोम को डिटेक्ट कर सकते हैं डीएनए को, और क्या है, या फिर कुछ पार्ट को, यानी एक वायरस के जीनोम के अगर कुछ पार्ट में प्रेजेंट है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इन द पास्ट न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हैव मेनली बीन यूज्ड एज ए सेकेंडरी टेस्ट टू कन्फर्म पॉजिटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट। और ये जो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है वो क्या है, कंफर्मेटिव टेस्ट के रूप में काम में लेते हैं यानी सेकेंडरी टेस्ट के रूप में काम में लेते हैं। अगर पहला टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो क्या है, अपन सेकेंडरी पीसीआर टेस्ट को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एचआईवी फर्स्ट, एचआईवी सेकेंड वायरस एंड हेपेटाइटिस वायरस एंड एपिस्ट्रीम बेयर वायरस। यानी ये जो टेक्निक है वो कौन से वायरस को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं, एच आई वी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, हेपेटाइटिस बी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, और एपिस्ट्रीम बार वायरस को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मॉलिक्यूलर जो टेक्निक है यानी न्यूक्लिक एसिड जो बेस्ट टेक्निक है वो क्या है, सबसे पहले स्पेसिफिक और सेंसिटिव है, और ये क्या है, कैपेबल है किस चीज के लिए, वायरल के जीनोम को डिटेक्ट करने के लिए। इन द पास्ट न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हैव मेनली हैव बीन यूज्ड और ए सेकेंडरी टेस्ट टू कंफर्मेटिव टेस्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट। और ये क्या है, कंफर्मेटिव टेस्ट, अगर पहला टेस्ट पॉजिटिव आ जाते तो ही क्या है, अपन सेकेंडरी टेस्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं।
और इससे अपन कौन से वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो HIV वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी को डिटेक्ट कर सकते हैं और एपिस्ट्रीम बार वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा? लैब डायग्नोसिस और वायरस के ऊपर ही कंटिन्यू रहेगा, जिसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि वायरस का आइसोलेशन देखेंगे और क्या है एंटीबॉडी डिटेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट वन कौन है?